हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट्स के लिए है, और यूजी सेमेस्टर वन का जो पेपर टू है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंतर्गत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण चिंतक के बारे में पढ़ेंगे, और वो हैं बाल गंगाधर तिलक। इस क्लास में हम लोग उनके जीवन परिचय, उनकी स्वराज संबंधी अवधारणा, उनका दर्शन, धर्म के संबंध में उनके विचार, समाज के संबंध में उनके विचार, और तिलक के राष्ट्रवाद आदि जो विभिन्न उनके विचार थे, उनका संक्षिप्त अध्ययन हम लोग करेंगे। बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने अपने कार्यों एवं गतिविधियों से समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उनके जीवन आदर्श तथा उनकी कार्य प्रणाली एक उग्र राष्ट्रवादी नेता की थी। उन्होंने स्वराज की मांग करने के साथ साथ इसकी प्राप्ति के लिए उग्र राष्ट्रवादी साधनों को महत्वपूर्ण मानते थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ। उन्होंने स्नातक की उपाधि कानून विषय से ली। इसके बाद उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ की और पूना न्यू इंग्लिश स्कूल में और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज पूना आदि में अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसके साथ साथ जन जागरण और जनता को संगठित करना तिलक के कार्यों का प्रमुख लक्ष्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक पत्र का, जो पत्रिका थी उस समय, प्रकाशन किया, और 1881 में किया। इसके अलावा अखाड़े लाठी क्लब तथा गौ हत्या विरोधी समाजों का भी गठन किया। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा महाराष्ट्र में गणोत्सव, गणेश उत्सव और को भी आरंभ किया गया, जिसके माध्यम से वह लोगों को संगठित कर ले, क्योंकि स्वतंत्रता संगठन जो है वो बहुत ज़रूरी था। और तिलक प्रारंभ से ही उग्र विचारधारा के व्यक्ति रहे थे। उन्होंने अपने कलम, वाणी और कार्यों से जनसेवा और साम्राज्यवाद का विरोध किया। इन दोनों कार्यों को दृढ़ता के साथ किया। इसी कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, और कांग्रेस के अंदर तिलक ने अपने को स्थापित नेतृत्व के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वे आरंभ से ही नरम दलीय जो विचारधारा के नेता थे, और उनकी कार्य जो पद्धति थी उससे असहमति थी उनकी। वे चाहते थे कि कांग्रेस राजभक्त संगठन के स्थान पर व्यापक जनाधार वाली सरकार और साम्राज्यवाद विरोधी संगठन के रूप में काम करे, और इसलिए कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में।
और ये गरम दल के जो हैं वो या उग्र जो दल थे उसके एक नेता थे। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही लाला लाजपत राय, बिपिन चंद पाल के साथ मिलकर वे गरम दल के प्रमुख नेता बन गए। बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के देश में फैलाने में तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। और इस दौर में तिलक के साथियों और नरम दलीय नेताओं के बीच के मध्य विवाद और मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनका परिणाम 1907 का सूरत फूट के रूप में निकला और उदारवादी ने तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस से निकाल दिया। और 1908 में तिलक ने नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया। इसके पश्चात 1914 में वे पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने सारे मतभेद भुलाकर कांग्रेस की एकता को स्थापित की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस लीग एकता के लिए काम प्रारंभ किया और 1916 के लखनऊ पैक्ट को कराने में तथा जनता के मध्य उसे उचित ठहराने में तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। 1916 में ही उन्होंने होम रूल संस्था जो थी उसकी स्थापना की और इसके पश्चात वे जीवन पर्यंत स्वराज प्राप्ति के लिए कार्यरत रहे। इसके बाद उनके दर्शन को जानेंगे हम लोग। तो तिलक दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद को तथा वेदांत को मानते थे। वह धर्म में आस्था रखते थे। उनके सही धर्म का अर्थ था ईश्वर तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तथा मनुष्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के साधन में तिलक का विश्वास अवतारवाद से था तथा कर्मकांड में भी वह पूरी तरह से उसके विरोधी नहीं थे। तिलक की दृष्टि में धर्म राष्ट्रीयता का एक तत्व है। चूँकि उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता के साथ धर्म जुड़ी हुई है अतः उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ग्रहण किया। उनका मानना था कि यदि हम विभिन्न संप्रदायों के साधारण मतभेदों को भुला दें और अपनी समान विरासत को मूल्यवान समझें तो ईश्वर की कृपा से हम शीघ्र ही विभिन्न संप्रदायों की शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र के रूप में संगठित कर पाएंगे या करने में सफल हो पाएंगे। तो ये उनका दर्शन से संबंधित विचार था कि वे अद्वैतवाद तथा वेदांत में बिलीव करते थे। अब उनके धार्मिक विचार को हम जानेंगे कि उनके धार्मिक विचार क्या थे। तो तिलक का विचार था कि केवल धर्मनिरपेक्ष शिक्षा चरित्र का निर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धार्मिक शिक्षा आवश्यक है किंतु तिलक की धार्मिक शिक्षा का तात्पर्य सांप्रदायिक अथवा संप्रदाय विशेष के धर्म की शिक्षा से नहीं था। उनका कहना था कि इन स्कूलों में हिंदुओं को हिंदू धर्म पढ़ाया जाएगा और मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी और वहाँ यह भी सिखाया जाएगा कि मनुष्य को दूसरे धर्मों के भेद को भूलकर और क्षमा करना चाहिए, क्षमा की भावना रखनी चाहिए। तिलक ने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा जिसमें
औद्योगिक तथा राजनीतिक शिक्षा भी शामिल थी के बारे में बताया। वे पश्चिमी भाषा एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के महत्व को भी स्वीकार करते थे। तो ये उनके धार्मिक धर्म से संबंधित विचार था। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू को हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाए और जो मुसलमान है उनको उनके धर्म की शिक्षा दी जाए, और ये धर्मों का जो भेद है उसको भूलकर व्यक्ति को जो है इन धर्मों को भूलकर व्यक्ति को एक दूसरे के को क्षमा करने की जो है अपने अंदर क्षमता को डेवलप करनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और उसमें औद्योगिक और राजनीतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने की बात को स्वीकारा है, और पश्चिमी भाषा एवं ज्ञान विज्ञान के शिक्षा के महत्व को भी पर भी वो के भी समर्थक थे। इसके बाद उनका हम लोग समाज सुधार देखते हैं कि समाज को सुधारने में उनकी क्या भूमिका रही थी तिलक की। तो तिलक ने समाज सुधार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए थे। उनका मानना था कि देश के अंदर मुख्य प्रश्न राजनीति का था, समाज सुधार बाद की बात थी। ये सुधार धीरे धीरे किए जा सकते हैं, मतलब सबसे पहले जो है वो आज़ादी का प्रश्न था, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है समाज सुधार जो है वो किया जाएगा, ये वो मानते थे। और इन्हीं विचारों के तिलक ने 1891 में स्वीकृत आयु अधिनियम का विरोध किया, जिसमें आयु फिक्स की गई थी 14 साल और 18 साल, किंतु साथ कलकत्ता में सामाजिक सम्मेलन में बाल विवाह का विरोध भी किया। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। तो इस तरह से उन्होंने जो उनके जो विचार थे समाज से संबंधी, तो वह प्रारंभिक उनका जो काम था वो राजनीति का था, और राजनीति के माध्यम से देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करना जो है पहला काम था। और बाद में जो भी समाज में जो बुराइयां थी, उस समय प्रचलित बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए उनका उन्होंने के बारे में कहा। और इसलिए उन्होंने जो स्वीकृत जो आयु अधिनियम था उसका उसने विरोध किया था उस समय, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ उन्होंने जो है जो सामाजिक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ उसमें उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, और साथ ही साथ विधवा जो विवाह था उसका समर्थन किया। तो ये उनके सामाजिक विचार थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनकी राजनीतिक विचार क्या थे, या स्वराज से संबंधित जो उनके विचार थे वो क्या थे। तो राजनीति के क्षेत्र में तिलक के विचारों का आरंभ बिंदु स्वतंत्रता की अवधारणा थी। स्वतंत्रता की यह अवधारणा एक ओर तो वेदांत दर्शन पर आधारित थी या उसके अनुसार थी, और दूसरी ओर मिल, जेएस मिल, बर्क और विल्सन के पाश्चात्य विचारों पर आधारित थी। उनके अनुसार स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत आत्मा का जीवन है। उनके शब्दों में सृजनात्मकता की स्वायत्तता शक्ति को ही नहीं स्वतंत्रता कहा जा सकता है, शक्ति को ही नहीं स्वतंत्रता कहा जा सकता है। इसी स्वतंत्रता को तिलक ने भारत के संदर्भ में स्वराज कहा है। बाद और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा कि स्वराज भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्वराज तिलक के अनुसार अधिकार भी है और साथ ही धर्म भी। जो स्वराज है वो अधिकार तो है ही, साथ ही साथ वह धर्म भी है। राजनीति के क्षेत्र में स्वराज का अर्थ राष्ट्रीय स्वशासन से है। तिलक के अनुसार स्वराज से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंधन हाथों में हो,
नैतिक दृष्टि से स्वराज का अर्थ आत्मविग्रह की मूर्तता प्राप्त करने पूर्णता प्राप्त करने करना है। आध्यात्मिक रूप से अपने में केंद्रित और अपने पर निर्भर जीवन ही स्वराज है। स्वराज व्यक्ति और राष्ट्र के अनिवार्य के जीवन की अनिवार्यता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस संसार में स्वराज का उपभोग नहीं किया, वे परलोक में भी स्वराज के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसा तिलक का मानना था। तिलक ने अपने राष्ट्रवादी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। स्वराज जिसको उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बताया था, और उनके विचारों का जो केंद्र था, बिंदु था, वह स्वराज ही था। तिलक एक राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन उन्हें उनके राष्ट्रवाद का चरित्र पुनरुत्थानवादी था। भारतीय राष्ट्रवाद की नींव हिंदू धर्म एवं संस्कृति के मजबूत आधार पर रखकर उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद में बदलना चाहते थे। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। तिलक भारत में अंग्रेजी राज्य को ईश्वरीय विधान के रूप में नहीं देखते थे। उनकी दृष्टि में भारत के अधोपतन का मुख्य कारण उसकी परतंत्रता है या परतंत्रता थी। अतः वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता को देश के भविष्य के रूप में देखते थे, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए वह संवैधानिक साधनों के इस्तेमाल करने के संकल्प से भी नहीं बंधे रहना चाहते थे। व्यवहारिक जीवन में परिस्थितिजन्य बाध्यता के कारण उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की जो नीति थी से आगे बढ़ने में वे सिद्धांत रूप में वे मानते थे कि अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है, और वो अच्छा उद्देश्य उनका था स्वराज की प्राप्ति, अपने देश की स्वतंत्रता। तिलक का कहना था कि भीख मांगने से लेकर खुले विद्रोह तक जो भी उपाय तुम्हें अच्छे लगे या अपनी सामर्थ्य के अनुकूल जान पड़े, उसे चुन लो और उसी को करो। तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे पास हथियार नहीं है और ना हमें हथियारों की आवश्यकता ही है। आगे वे कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में हमें तीन शक्तिशाली हथियार दिए हैं, और हम स्वराज जरूर स्थापित कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो तिलक हैं वो शुरू से ही ये उग्रवादी जो राष्ट्रवाद था उसके प्रणेता के रूप में हुए, और आधुनिक भारतीय राजनेता तो थे ही, साथ साथ उग्रवाद जो विचारधारा गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल इनके युग को कहा जाता था, और जो शुरुआत में जो ब्रिटिशों के सामने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बातें जो मनवाने की जो प्रक्रिया थी कांग्रेस की, और बाद में जैसा कि उसको कांग्रेस वो जो थे उसको छोड़ के एक नई पार्टी का गठन किए, फिर बाद में फिर कांग्रेस से आके फिर मिले, और इस तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो है महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका एक तरह से रही है।
और स्पेशली जो उनका जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र दर्शन या स्वराज से संबंधित जो उनकी विचारधारा थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने का उसके भी पक्षधर थे और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के साथ साथ सर्वप्रथम उनका जो लक्ष्य था वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का था। और उनके अथक प्रयासों से जो है बहुत हद तक इन प्रयासों के माध्यम से ही या जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जो हमने इनके विचारों को देखा और समझा तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो तिलक हैं एक राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, संस्कृत के विद्वान, ओजस्वी लेखक, मराठी और केसरी जैसे पत्रों को लिखा, बहुत सारा जो है के लिए एक सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न उत्सवों का की शुरुआत की, जैसे कि गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव आदि। और मराठी गद्य रचना और निर्भीक और साहसी नेता भी थे ये। और उनका जीवन आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था। वह याचना या भीख मांगने में विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि जो उनका अधिकार है वह उसको उसके लिए कोई भी साधन जो है उपयोग करके अपने अधिकार को वो जो है वो ले लेंगे, साधनों की बाध्यता को नहीं मानते थे। और उन्होंने अपने उग्र लेखकों जो लेखनी थी उनकी, उनके द्वारा जनमानस में को एकजुट करने में का प्रयास के माध्यम से, और इसके कारण से उन्हें कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा। और उन्होंने स्वराज की जो अवधारणा को सशक्त तरीके से रखा और जीवन पर्यंत इस स्वराज की स्थापना के लिए संघर्षरत रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में और भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है एक उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में। और स्वराज की जो धारणा है, वो जो मांग थी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हर तरह के साधनों को उचित माना। शुरुआती के दौर में काफ़ी मतभेद थे कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और अंततः जो है इन क्रांतिकारियों के, इन उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से हमें 15 अगस्त 1947 को जो है वो आज़ादी प्राप्त हुई। तो ये उनका योगदान था राजनीति चिंतन के में, जिसको हमने संक्षेप में जाना। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का जो क्लास है हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।